आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही कद्दावर नेता की आज हम बात करेंगे, जॉर्ज फर्नांडिस। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर जॉर्ज फर्नांडिस की बात करें, ये इन्होंने गरीबों के लिए काम किया, इन्होंने लेबरर्स के लिए काम किया, ट्रेड यूनियन के साथ जुड़े हुए, रेलवे स्ट्राइक पूरी करवा दी क्योंकि बहुत बुरी हालत थी, इमरजेंसी के खिलाफ रहे, इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़े ये, और बहुत ही कमाल के रिफॉर्म्स लेके आए। जॉर्ज फर्नांडिस एक बहुत बड़ा नाम है, बीजेपी के साथ जुड़े ये, पहले अपनी पार्टी थी बाद में बीजेपी के साथ आ गए। पिछले साल इनका देहांत हुआ, डिफेंस मिनिस्टर थे ये भारत के, जब कारगिल वॉर हुआ था, जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण में, दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट अटल बिहारी वाजपेयी के रेन में, तब जॉर्ज फर्नांडिस जो थे वो डिफेंस मिनिस्टर थे। तो आज हम इनकी बात करेंगे, मजा आ जाएगी दोस्तों। कहानी देखिए, एक इंसान क्या कर सकता है। याद रखिएगा, आपके पास कुछ नहीं है, आप बहुत दुखी हैं, आपके पास कोई पैसा नहीं है, आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, परिवार आपका साथ नहीं दे रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, हर चीज में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कभी भी उम्मीद मत छोड़िए, हमेशा पॉजिटिव रहिए और मेहनत करते रहिए, और हाँ, दूसरों का भला भी करते रहिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचते रहिए, यकीन मानिए सब कुछ बदल जाएगा। जॉर्ज फर्नांडिस के पास लिटरली कुछ नहीं था, सड़क पे सोते थे ये, फुटपाथ पे सोते थे ये, पुलिस मार के भगा देती थी इनको। अब देखिए, डिफेंस मिनिस्टर बन गई है, कितनी बड़ी बात है। एक ऐसा इंसान जो सड़क से उठा और भारत की सबसे ऊंची पोस्ट लेके गया, ऐसे हैं जॉर्ज फर्नांडिस। इसीलिए मैं इनको बहुत फॉलो करता हूं, इनके बारे में बहुत पढ़ा, इन्होंने काफी किताबें लिखी हैं, इन्होंने काफी एडिटोरियल्स, मतलब मैगजीन्स के ये एडिटर रहे हैं। तो आज हम जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में जानेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरन स्को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पे चेक पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, गौरव सर ने किताब लिखी है, बिल्कुल फेलियर टू ट्रायंफ, सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि हर किसी को पढ़नी चाहिए, जर्नी ऑफ अ स्टूडेंट, कैसे स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स को पार पा सकता है। एक एक चीज इसमें बताई गई है, सॉल्यूशंस बताए गए हैं। दोस्तों, प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है, studyiq.com से आप सर की किताब को बुक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ट्विटर पे भी आ गया हूं दोस्तों, ये रही मेरी आईडी। तो दोस्तों, अगर हम जॉर्ज फर्नांडिस की बात करें, तो इनका जन्म जो है वो 3 जून 1930 में हुआ था। क्रिश्चियन है ये, ठीक है, मैंगलोर से बिलोंग करते हैं, कैथोलिक फैमिली है, 6 बच्चे थे उसमें सबसे बड़े। पिताजी चाहते थे कि ये बने लॉयर, पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे। जॉर्ज फर्नांडिस तो 10वीं के बाद पढ़ना ही नहीं चाहते थे, करनी है समाज की सेवा, नहीं पढ़ाई करनी मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन पिताजी, क्योंकि थोड़ा बहुत इनका लैंड डिस्प्यूट था, ठीक है, वैसे बता दूं कि पिताजी एक इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव थे, लेकिन थोड़ा जमीन का विवाद था, तो अक्सर ऐसा होता है, उनको लगता था कि मेरा बेटा लॉयर बनेगा, वकील बनेगा, तो जमीन का विवाद है वो सुलझा देगा, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस का थोड़ा सा अलग ही था, वो अलग ही राह पे चले गए। हम ये देखते हैं कि शुरुआती पढ़ाई इन्होंने एक सरकारी स्कूल से ही की, उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने मैंगलोर के सेंट एलोसियस स्कूल से पढ़ाई की, सेकेंडरी एजुकेशन इन्होंने ली। फिर आपको बता दूं, 16 साल के थे तो ये सेंट पीटर्स सेमिनरी में चले गए, वहां पे पादरी प्रीस्ट बनने की इन्होंने ट्रेनिंग ली, लेकिन बहुत ही जल्द चर्च से भी डिल्यूजेंड हो गए। 1946 से लेकर 48 तक, ठीक है, 2 साल इन्होंने प्रीस्ट की ट्रेनिंग ली, लेकिन वहां इन्होंने ऑब्जर्व किया क्रिश्चियनिटी, मतलब स्पेशली ये जो स्कूल था, ये जो बताता है वो प्रैक्टिस तो करता नहीं है, यहां पे बहुत ज्यादा अनइक्वालिटी है, जो बड़ी पोस्ट पे है वो हाई टेबल्स पे बैठते हैं और हमारी कोई वही नहीं, तो डिल्यूजेंड हो गए इन्होंने रिलीजन को ही, इन्होंने कहा कि मुझे कोई रिलीजन फॉलो ही नहीं करना, धर्म फॉलो नहीं करना, और भाग गए, घर छोड़ के भाग गए, इन्होंने रिलीजन को ही रिजेक्ट कर दिया, सेमिनरी से भाग गए और फ्री थिंकर हो गए। फ्री थिंकर होकर फिर राम मनोहर लोहिया के संपर्क में आए। राम मनोहर लोहिया तो दोस्तों क्या बताऊं मैं, उनको पढ़िए, डेफिनेटली आप इमोशनल हो जाएंगे, क्या इंसान थे वो, क्या इंसान थे। सोशलिस्ट की सही परिभाषा, मतलब सोशलिस्ट कैसा होता है, सोशलिज्म कैसा होता है, राम मनोहर लोहिया को आप पढ़ लीजिए, आप उनके बारे में समझ लीजिए, आपको पता हो जाएगा। वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा उनका जो जीवन है और उनकी टीचिंग्स है 1 घंटे में समराइज की है, राम मनोहर लोहिया पे लेक्चर है, लेकिन कमाल के इंसान थे वो। राम मनोहर लोहिया के संपर्क में आए, जैसे गांधी जी लोगों को बदल देते थे, है ना। गांधी जी की सबसे बड़ी बात क्या थी, मोतीलाल नेहरू, नेहरू परिवार बहुत ही समृद्ध था, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि कांग्रेस में पहले क्या होता था, कांग्रेस थोड़ा क्या पूरा ब्रिटिश को सपोर्ट करती थी, ब्रिटिश के ही अंतर्गत क्या आएगा, हमारा भारत जो है वो बदलेगा, ठीक है।
तो समृद्ध परिवार जो थे वो इतना ज्यादा लोगों से जुड़े नहीं थे। गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी के पास जो भी आता था गांधी जी उसको सोशलिस्ट बना देते। तो कितना भी अमीर हो, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लॉयर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को वो सोशलिस्ट बना देते थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू, चाहे वो वल्लभ भाई पटेल हो, कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो मतलब बहुत सारे, लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है। तो ये चीज है, ऐसे ही राम मनोहर लोहिया में था। राम मनोहर लोहिया क्या करते थे, इनके पास कोई भी आता था उसको सोशलिस्ट बना देते थे। मुलायम सिंह के गुरु थे राम मनोहर लोहिया, और जॉर्ज फर्नांडिस भी राम मनोहर लोहिया के संपर्क में आ गए बहुत ही जल्द। लेकिन उससे पहले उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बॉम्बे आ गए, भाग के बॉम्बे आ गए, खाली 19 साल के थे जब इन्होंने अपना घर छोड़ा था, कुछ पता नहीं गए कहां, पढ़ाई भी पूरी कंप्लीट नहीं की, और बॉम्बे आए, रहने की कोई जगह नहीं थी दोस्तों, ये स्ट्रीट्स पे गलियों में रहते थे, है ना। आई एम सॉरी, ये क्या हो गया, ठीक है, सॉरी, ये स्ट्रीट्स पे, ये गलियों में रहते थे, वहां पे रहते थे, रोड पे सोते थे ये, ठीक है, फुटपाथ पे सोते थे, पुलिस आती थी रात में उनको उठा के भगा देती थी कि यहां नहीं सो, वहां जाओ, इतनी हालत खराब थी। लेकिन उसके बावजूद हार नहीं मानी इन्होंने, इनको पता था कि कभी ना कभी तो अच्छा समय आएगा ही आएगा। और जब ये गली गली घूमते थे इधर उधर, तब इन्होंने देखा कि कितनी बुरी हालत है भारत में, जो एक तबका है, जो लेबर्स है, जो फैक्ट्रीज में काम करता है, जो यूनियन, जिनकी यूनियन बनी हुई है, लेकिन वो यूनियन इनके लिए कुछ कर नहीं रहा है, जो स्मॉल सर्विस में है, होटल्स और रेस्टोरों में जो लोगों की हालत है, जो लोग वहां पे काम करते हैं, जो गरीब तबका है, उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। और जो स्पेशली जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, इसमें जिस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्या करें क्या करें। तो यहां पे इन्होंने यूनियन मूवमेंट शुरू कर दिया था, ये ट्रेड यूनियंस के साथ आ गए, ठीक है, ट्रेड यूनियंस के साथ आ गए, और वहां पे हम देखते हैं राम मनोहर लोहिया से फिर इनका संपर्क हुआ, और प्लेसिड डी मेलो और राम मनोहर लोहिया के सब संपर्क में आए, तब इन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन्होंने पूरा का पूरा चलाया, इधर राम मनोहर लोहिया भी एक के बाद एक मूवमेंट चला रहे थे, ठीक है, एक के बाद एक मूवमेंट राम मनोहर लोहिया कर रहे थे। तो इनके साथ बहुत सारे पॉलिटिशियंस, और बहुत सारे जो आगे जाके पॉलिटिशियंस बने वो आए, इंक्लूडिंग मुलायम सिंह यादव। तो गरीबी बहुत देखी है जॉर्ज फर्नांडिस ने, और जॉर्ज फर्नांडिस देखते ही देखते बहुत ऊपर चले गए, है ना। अगर जो ये यूनियन मूवमेंट था, इसमें सबसे आगे रहते थे जॉर्ज फर्नांडिस, और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुन के भी आए 1961 से लेकर 68 तक, ठीक है, और सिविक इलेक्शन भी जीता इन्होंने 1961 में। लेकिन दोस्तों 1967 में कुछ ऐसा हुआ ना, क्या बताएं, 1967 में किसी ने नहीं सोचा था कि जॉर्ज फर्नांडिस जो हैं वो एस के पाटिल, 20 सालों से इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे, बॉम्बे से वो जीतते आ रहे थे, बॉम्बे साउथ की कंस्टिट्यूएंसी से, किसी ने नहीं सोचा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है दोस्तों, कि जॉर्ज फर्नांडिस एस के पाटिल को हरा देंगे, ठीक है। वही बात हो गई सचिन तेंदुलकर को, एक कोई प्लेयर डेब्यू कर रहा है और डेब्यू में ही सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मार दे, ये जॉर्ज फर्नांडिस ने कर दिया। पब्लिक में बहुत ज्यादा एक्टिव थे, जो लेबर्स थे, जो लेबरर्स थे, जो काम करते थे, वो इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, क्योंकि उनके दर्द को समझते थे। जिसने दर्द को समझ लिया, इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है एम्पैथी, जो किसी के दर्द को समझ सकता है उससे बड़ा कुछ है ही नहीं, वो सबसे बड़ी ताकत है। जॉर्ज फर्नांडिस दूसरों के दर्द को समझ लेते थे, गरीबों के दर्द को समझ लेते थे। 1967 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, समझ रहे हैं, इलेक्शन लड़ा, और जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा संयुक्त तो सोशलिस्ट पार्टी से, इससे इनको टिकट मिला। जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा, इनके सामने खड़े थे एस के पाटिल, किसी ने नहीं सोचा था कि एस के पाटिल हारेंगे, क्योंकि 2 दशकों से ये जीतते आ रहे थे, बहुत मुश्किल था, कांग्रेस का उस समय वैसे ही बहुत ज्यादा दबदबा था। हरा दिया जॉर्ज फर्नांडिस ने, 48.5% इनको वोट मिले, हरा दिया, एस के पाटिल हार गए। उसके बाद जॉर्ज द जायंट किलर, ये निकनेम इनको मिला था कि ये लड़का कुछ भी कर सकता है, कोई बहुत ज्यादा उम्र थोड़ी ना थी। अगर जॉर्ज फर्नांडिस की बात करें तो एक तरीके से वो तो कितने, 36 साल के थे, ठीक है, तो 36 साल, तो अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें तो आप यंग ही हैं, है ना, हरा दिया। उसके बाद दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा इवेंट आया दोस्तों, रेलवे स्ट्राइक। इस दौरान दोस्तों ये संयुक्त तो सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी सबसे हाईएस्ट पोस्ट इनको मिल गई, और फिर सोशलिस्ट पार्टी के 1973 आते आते चेयरमैन बन गए। रेलवे स्ट्राइक, इमरजेंसी लगाने के बहुत सारे कारण थे, उसमें एक रेलवे स्ट्राइक भी माना जाता है। इंदिरा गांधी के लिए एक के बाद एक जो सिचुएशन थी वो खराब होती जा रही थी, फिलहाल उस पर हम नहीं जाएंगे, इमरजेंसी मैंने पूरी कवर की है। रेलवे वर्कर्स की हालत बहुत बुरी थी, इनफैक्ट अगर सबसे बुरी हालत जिनकी थी वो रेलवे की थी। कैसे, 1973
1947 से लेकर 1974 तक रेलवे, वैसे आपको बता दूं कि सेंट्रल सब्जेक्ट है, आपको पता ही है, यूनियन लिस्ट, ठीक है, मतलब रेलवे जो है ये पूरा सेंटर कंट्रोल करती है। तो रेलवे जो है 1947 से लेकर 1974 तक तीन पे कमीशन आ गए थे। पे कमीशन आपको पता ही, हर पे कमीशन में सैलरी बढ़ती है, सैलरी नहीं बढ़ी इनकी। जो इनको रहने के लिए, पहले तो बहुत लोगों को रहने के लिए क्वार्टर्स ही नहीं मिलते थे, और जो क्वार्टर्स थे, एक इंसान का, एक मिडिल क्लास फैमिली के इंसान का बाथरूम भी उससे ज्यादा बड़ा होगा, इतने छोटे क्वार्टर्स मिलते थे। और एक क्वार्टर में दोस्तों दो दो तीन तीन लोग रहते थे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही बेकार। और ये वो लोग थे जो ठीक ठाक थे, जो क्लर्क थे और जो लोएस्ट पोस्ट पे थे, ठीक है ना, जो आपको खल्लासी होते हैं या जो क्लर्क होते हैं उनके, सॉरी, जो प्यून होते हैं, जो लो पोस्ट पे, जो फोर्थ कैटेगरी के लोग थे, उनकी तो हालत ही मत पूछिए, कितनी बुरी हालत थी, ठीक है। रेलवे वर्कर्स जब तक चल रहा था तब तक चल रहा था, जब जॉर्ज फर्नांडिस ने देखा, जॉर्ज फर्नांडिस ने सबको मनाया। रेलवे वर्कर्स वैसे ही बहुत ज्यादा नाराज थे, बाकायदा NCERS जो रेलवे की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी उसकी मीटिंग होती है, इसमें सेंट्रल ट्रेड यूनियंस को भी शामिल किया गया, पॉलिटिकल पार्टीज आई। 1974 में ये डिसाइड किया गया हम स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, हम हड़ताल करेंगे। पहली बार रेलवे की 1974 में हड़ताल होगी। रेलवे रुक गया तो सबसे ज्यादा लॉस होता है देश को, इधर इंदिरा गांधी के हाथ पांव फूल गए। 8 मई को ये हड़ताल शुरू हुई, लेकिन 27 मई को ये स्ट्राइक को कॉल्ड ऑफ कर दिया, जो एक्शन कमेटी बनी थी। अब इसमें इसलिए किया था क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो गए थे, ठीक है, बहुत सारे, इसमें ये जो पूरी रेलवे स्ट्राइक थी बहुत बड़ा इवेंट है, ये पूरे बिहार से शुरू हुई और उसके बाद फिर उत्तर भारत में और फिर इधर साउथ में, मद्रास में बहुत ज्यादा फैली। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे जो वर्कर्स थे, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत उनको जेल में डाल दिया। लगभग 30,000 वर्कर्स थे, रेलवे में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या होता है कि अगर हमको लगता है कि आप जुर्म कर सकते हैं, आपने किया नहीं, अगर हमको लगेगा जुर्म करेंगे, आपको जेल में डाल देंगे। तो ये बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ है एक तरीके से, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसको बोला जाता है। यहां पे बहुत सारे मजदूरों को जेल में डाल दिया उठा के, ठीक है, और उसके बाद फिर डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा होने लगे। तो फिर इस स्ट्राइक को 27 मई 1974 को कॉल्ड ऑफ कर दिया। एक साल बाद एक और इंपॉर्टेंट इवेंट, तीसरा इंपॉर्टेंट इवेंट यहां पे जॉर्ज फर्नांडिस की लाइफ में, इमरजेंसी जब लगाई, 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई। जैसे ही इमरजेंसी लगाई गई, सारे नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जो इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े थे। इसमें जॉर्ज फर्नांडिस भी इंदिरा गांधी के खिलाफ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे, आपको पता ही है। जॉर्ज फर्नांडिस 24 जून जॉर्ज फर्नांडिस जो है वो अपने ससुर के यहां आए थे, ठीक है, अपने ससुर के आए थे। 1971 में इनकी शादी हुई थी। इनके जो ससुर थे, आपको बता दूं, उनका नाम था हुमायूं कबीर। वो पंडित नेहरू जी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके थे, आप समझ रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि अपने ससुर जी के यहां आए, 24 जून बहरामपुर उड़ीसा में आए, ठीक है, बहुत सारी इनको मीटिंग्स करनी थी, लेकिन अगले ही दिन इमरजेंसी लगा दी गई। अब जैसे ही इमरजेंसी लगाई, इनके खिलाफ वारंट इश्यू हो गया कि इनको गिरफ्तार करो, जहां पे भी हैं सारे बीजेपी लीडर्स को गिरफ्तार किया जाने लगा, जितने भी जो ऑपोजिशन थे उनको गिरफ्तार किया जाने लगा, इनको भी गिरफ्तार किया जाने लगा। बीजेपी तो नहीं, उस समय तो बीजेएस थी, ठीक है, तो इनको भी गिरफ्तार किया जाने लगा, मतलब इनको भी, इनके, इनको गिरफ्तार करने के लिए वारंट इश्यू हो गया, ठीक है। ये गिरफ्तार नहीं हुए और बचते बचाते एक फिशरमैन, एक मछुआरे का रूप धारण करके निकल लिए, है ना। अब ये निकल लिए जॉर्ज फर्नांडिस के खिलाफ, वारंट कोई अता पता नहीं, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस बहुत बड़े नेता है, जो बहुत बड़े बड़े नेता थे उनको सबसे पहले जेल में डाला जा रहा था। यही होता है जब भी इस तरीके के प्रोविजंस लिए जाते हैं, तो उन लोगों को जेल में डालो जो मास को गैदर कर सकता है, ठीक है, जो लोगों को साथ में ला सकता है। तो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ पूरा देश था, पूरे देश के जो ट्रेड यूनियन थे वो जॉर्ज फर्नांडिस के पीछे पड़ा था, तो जॉर्ज मतलब पीछे खड़ा था, तो जॉर्ज फर्नांडिस को बोला कि इसको तो पहले पकड़ के लेके आओ और जेल में डालो। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस का कोई अता पता नहीं, जैसे ही पता चला इनको कि मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, मछुआरे बन के निकल गई है। एक साल बाद इनको पकड़ा जा सका, लेकिन इनकी अब ढुंढैया चालू हो गई। इनके भाई को पकड़ा, लॉरेंस फर्नांडिस को, इनके भाई को बहुत मारा पीटा, टॉर्चर किया, लेकिन उसके बावजूद इनके भाई ने नहीं बताया। इसी दौरान दोस्तों जॉर्ज फर्नांडिस ने एक प्लान बनाया, बरोडा डायनामाइट केस जिसको बोला जाता है। गुजरात में आइए, बरोडा में आए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से इन्होंने मुलाकात की, डायनामाइट इकट्ठा करो, जहां जहां इंदिरा गांधी जाएंगी, कांग्रेस जाएगी, उस मीटिंग को हम डिसरप्ट करेंगे।
और हम बम फोड़ेंगे, लेकिन ये बम ऐसी जगह पे नहीं फोड़ा जाएगा जैसे भगत सिंह ने किया था कि किसी को भी इतनी सी भी चोट आए, लेकिन ये बड़ौदा डायनामाइट केस जो है वो अंजाम तक नहीं जा सका। एक बार वाराणसी में इंदिरा गांधी जब गई थी तो उसका बकायदा पूरी प्लानिंग हो गई थी, लेकिन ये जो है वो अंजाम तक नहीं जा सका। और 10 जून 1976 आते आते इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो वारंट कब निकला था? 25 जून 1975। गिरफ्तार कब किया गया? 1976, एक साल बाद इनको गिरफ्तार किया गया। और इमरजेंसी में छुपना जब पूरी पुलिस आपके पीछे पड़ी है, बहुत मुश्किल था। जेम्स बॉन्ड ठहरे भैया जॉर्ज फर्नांडिस, तो ठीक है ना, इमरजेंसी खत्म हुई दोस्तों। एक चीज और, क्रिश्चियन थे ये, कैथोलिक्स थे, तो जो वर्ल्ड लीडर्स थे उन्होंने वार्न कर दिया था। और एक इसमें यह भी चीज थी कि उस समय बहुत बड़े लीडर भी थे, ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस। तो जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे, जर्मनी, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, जब इनको गिरफ्तार किया गया, सीधा बोल दिया गया कि आप इनको टॉर्चर नहीं करेंगे, ठीक है, और आप इनको कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे जॉर्ज फर्नांडिस को प्रॉब्लम पहुंचे। तो इसीलिए इंदिरा गांधी ने एज सच तो इनके खिलाफ कुछ नहीं किया, और जो भी इनके खिलाफ इल्जाम लगाया गया था वो उसके वो चार्जशीट जो है वो कभी दायर नहीं की गई, ठीक है। 1977 में फिर जनता पार्टी आई और इन्होंने इलेक्शन लड़ा, ठीक है। अब इलेक्शन जब इन्होंने लड़ा तब भैया मुजफ्फरपुर सीट से खड़े हुए, और अब ये बिहार से इलेक्शन लड़ेंगे, 3 लाख वोटों से जीत गई है, कमाल की बात है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था दोस्तों, इनको जब जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने, तो इनको यूनियन मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज बनाया गया। इंडस्ट्री के मिनिस्टर थे ये, इन्होंने बहुत कुछ किया दोस्तों, ठीक है। इनका जो टेन्योर था इन्होंने बहुत कुछ किया। सबसे पहले तो इन्होंने कोका कोला और आईबीएम को बाहर का रास्ता दिखाया। मल्टीनेशनल कंपनी जो थी, अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी, एक्चुअली फेरा एक्ट था, ठीक है, फेरा जो था जो फॉरेन रेगुलेशन एक्ट है, इसके तहत कंपनी के शेयर 40% से ज्यादा, जो कंपनी के ओनर्स हैं वो 40% से ज्यादा नहीं रख सकते, ये इंदिरा गांधी ने बोला था, ठीक है। और इंदिरा गांधी ने बोला था तो ऐसा नहीं है कि जॉर्ज फर्नांडिस ने इसको बदलने की कोशिश की। जॉर्ज फर्नांडिस ने बोला कोका कोला और आईबीएम को फेरा के रेगुलेशन मानने पड़ेंगे, 40% से ज्यादा शेयर आप नहीं रखेंगे। कोका कोला आईबीएम नहीं मानी, तो आप कोका कोला आईबीएम को हम यहां पे नहीं आने देंगे। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने कोका कोला और आईबीएम को भारत में आने ही नहीं दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, समझ रहे हैं। तो ये चीज है, इंडिया में ऑपरेट नहीं कर पाई थी, ये भी इनके बारे में एक बड़ा ही एक स्ट्रांग डिसीजन जो है जॉर्ज फर्नांडिस ने लिया। हालांकि इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा हुआ कि अगर कंपनीज नहीं आएंगी तो इससे अल्टीमेटली घाटा जो है वो भारत का ही है। साथ ही साथ इन्होंने दूरदर्शन केंद्र भी बनाया, इन्होंने कांति थर्मल पावर स्टेशन, जो अभी 2014 में उसका नाम बदल के जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर स्टेशन रख दिया गया, उसकी भी स्थापना इन्होंने की। अब जनता पार्टी जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे दोस्तों डिफरेंसेस शुरू हो गए। आरएसएस से ही इनकी ज्यादा नहीं बनी, ठीक है, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी थी उससे ज्यादा इनकी नहीं बनी कि ये बहुत ज्यादा दबदबा कायम करना चाह रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों जनता पार्टी स्प्लिट हो गई। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि चौधरी चरण सिंह ने जनता पार्टी सेक्युलर बनाई 1979 में, चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर हुए, लेकिन 1980 में इलेक्शंस नहीं जीत पाए। तो 1980 में फिर से कांग्रेस आ गई। जॉर्ज फर्नांडिस ने 1980 में मुजफ्फरपुर से इलेक्शन लड़ा, ठीक है, लेकिन जीत नहीं पाए, ठीक है। फिर 1984 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, वहां पे भी इनको बहुत ज्यादा इसमें कामयाबी नहीं मिली। 1989 में हम देखते हैं कि इन्होंने फिर से जीत का स्वाद चखा। 1989 में दोस्तों एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट्स थे, आपको पता ही है, बोफोर्स स्कैंडल था, बोफोर्स घोटाला था, और पूरे देश में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी ये बोफोर्स को मुद्दा बना के कांग्रेस को घेर रही थी। इसमें जॉर्ज फर्नांडिस भी शामिल हो गए। जनता दल को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। वीपी सिंह की सरकार बनी 1989 से लेकर 1991 तक, और वीपी सिंह की सरकार में ये रेलवे मिनिस्टर बने, समझ रहे हैं ना, रेलवे मिनिस्टर बने। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि 2 साल की भले ही सरकार थी लेकिन रेलवे के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ किया इन 2 साल में, ठीक है। 1991 फिर इलेक्शन हुए, फिर कांग्रेस की सरकार। अब इन्होंने अपनी पार्टी बना ली, समता पार्टी। अब इसकी भी बहुत जबरदस्त कहानी है, लालू प्रसाद यादव से कैसे अलग हुए यहां पे, क्योंकि इधर जॉर्ज फर्नांडिस ने अपना पूरा का पूरा बेस बिहार में शिफ्ट कर लिया था, ठीक है। अब जब बिहार गए तो बिहार में ऑलरेडी लालू प्रसाद यादव एक्टिव थे, तो पहले तो लालू प्रसाद यादव के साथ, बाद में लालू प्रसाद यादव से शिफ्ट हो गए। तो समता पार्टी 1994 में बना ली, और बाद में जब बीजेपी जीती तो समता पार्टी बीजेपी के साथ ही रही। कोलिशन गवर्नमेंट जब एनडीए का गठन हुआ दोस्तों, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो समता पार्टी बीजेपी के साथ रही। यानी कि अब जब जब बीजेपी इलेक्शन लड़ेगी, समता पार्टी या फिर जॉर्ज फर्नांडिस उसको सपोर्ट करेंगे, समझ रहे हैं। तो 1996 से लेकर 1998 तक आपको पता ही है कि कुछ ज्यादा हासिल हुआ नहीं यहां पे बीजेपी को, ठीक है, इधर गठजोड़ करके सरकार बनाई गई। 1998 में फिर से बीजेपी की सरकार आती है, लेकिन फिर से ये जो जयललिता है वो अपना सपोर्ट वापस ले लेती है और गिर जाती है चाय पार्टी, फेमस चाय पार्टी
फिर 1999 में अल्टीमेटली हम देखते हैं कि बीजेपी की सरकार आई, इधर 24 पार्टियों का अलायंस बनाया गया जिसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोला गया। 1999 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे और जॉर्ज फर्नांडिस को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। ठीक है, तो जॉर्ज फर्नांडिस, इसी समय कारगिल वॉर हुआ था दोस्तों 1998 में, तो जॉर्ज फर्नांडिस को बहुत ज्यादा श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने बड़े ही जबरदस्त डिसीजन लिए। इसी दौरान दोस्तों पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट भी हुआ, इसमें भी जॉर्ज फर्नांडिस का नाम आता है कि इनका जो डिसीजन था वो बहुत ही जबरदस्त था, तो काफी ब्रेव डिसीजन लेने के लिए जाने जाते थे। कारगिल पे मैंने कम से कम 20 से 25 लेक्चर्स लिए हैं और पोखरण पे भी मेरे एक दो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप देख लीजिएगा। लेकिन दोस्तों 2001 में तहलका डिफेंस स्कैंडल जो है वो ब्रोक हो गया। तहलका ने, जो आपको पता है एक मीडिया हाउस है, तहलका ने क्या किया कि जो डिफेंस डील होती है उसमें किस तरीके से नेता जो है वो पैसा खाते हैं ये ब्रोक कर दिया और उसमें जॉर्ज फर्नांडिस का नाम आ गया। अब जब इसमें जॉर्ज फर्नांडिस का नाम आ गया तो देखिए ये नैतिकता होती है, जॉर्ज फर्नांडिस ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। यहां पे जॉर्ज फर्नांडिस ने रिजाइन कर दिया और उन्होंने जिम्मेदारी ली, तुरंत रिजाइन कर दिया, लेकिन बाद में उनको फिर से डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया। अब उसके बाद दोस्तों 2004 के बाद कांग्रेस के इलेक्शंस, मतलब इलेक्शंस और कांग्रेस जीती 2009 में दोस्तों। इसके बाद जो इनका करियर था वो थोड़ा डिक्लाइन पे चला गया। 2009 में हम देखते हैं कि इन्होंने मुजफ्फरपुर से भले ही एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ा, एक्चुअली क्या हुआ था कि 2001 के ही दौरान, मतलब अर्ली 2000 में, जनता दल जो थी वो स्प्लिट हो गई। जनता दल सेक्युलर से एक धड़ा स्प्लिट हो गया, जनता दल यूनाइटेड हो गया। ठीक है, नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, समझ रहे हैं। अब नीतीश कुमार की बायोग्राफी और जेडीयू का इतिहास मैंने कवर किया, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो जनता दल यूनाइटेड, तो 2009 में दोस्तों आप बूढ़े भी हो चुके थे जॉर्ज फर्नांडिस। 2009 में जब जनरल इलेक्शंस हुए तो जो यहां पे जेडीयू थी, ठीक है, क्योंकि ये जेडीयू में चले गए, तो जेडीयू थी, उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को टिकट ही नहीं दिया कि आप इलेक्शन लड़े। तो फिर हम ये देखते हैं कि इन्होंने एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो अपना नॉमिनेशन फाइल किया और फिर राज्यसभा से ये चुने गए। ठीक है, राज्यसभा से चुने गए और किसी भी पार्टी ने इनके खिलाफ कोई भी कैंडिडेट को प्लेस नहीं किया। ठीक है, तो अनअपोज्ड जो है वो जॉर्ज फर्नांडिस राज्यसभा में चुन किया है और फिर ये 4 अगस्त 2009 में राज्यसभा के कैंडिडेट चुने गए। ठीक है ना, तो ये चीज थी। 88 साल की उम्र में इनका निधन हुआ दोस्तों 29 जनवरी 2019। तो ये कहानी थी दोस्तों जॉर्ज फर्नांडिस की। इन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत सारे लेबर्स के लिए काम किया। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।